मेरे साथ हाथ मत लगाओ, हट जाओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के बज चुके हैं आर, तो मैंने चपाती वगैरह और सब्जी वगैरह बना ली है, और साथ में मैं बना रही हूँ आज खीर। बोलते हैं कि सावन महीने में खीर खाना और खिलाना बहुत शुभ रहता है, तो मैं सोच रही थी कि पहले भी हमने हफ्ता डेढ़ पहले बनाई हुई थी खीर, और मैं सोच रही कि आज भी फिर से बना लूँ खीर, क्योंकि सावन महीना चला हुआ है। खीर खाना बहुत अच्छी बात होती है, सब बोलते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली मैंने चावल पहले ही पका लिए ताकि जल्दी से खीर बन जाए, इस करके मैंने चावल को पहले ही पका दिया था। तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर दूध, और चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह वो उसमें बाद में डालूँगी। मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए छोड़ती हूँ। बन रही है खीर, और रोटी सब्जी वगैरह मैंने बना ली है, और बना रही हूँ मैं खीर। ये देखिए अभी मेरी खीर उबल रही है, साथ में मैंने इसमें कोकोनट का और पाउडर मिलता है वो रखा है, और ये बुराता जिसको हम बोलते हैं, और ये ड्राई फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं, बादाम और किशमिश है साथ में। तो अभी इसमें टाइम लगता है बनने में थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये बन चुकी है अभी खीर। अभी मैंने इसमें शुगर वगैरह ऐड करनी है, चीनी वगैरह डालूंगी मैं इसमें। तो देखिए आज तीसरा दिन है और बारिश मान ही रही, बारिश तो लगातार लगी हुई है एकदम, पता नहीं भगवान क्या करेगा, समझ नहीं आ रही है। चारा वगैरह लेने में भी दिक्कत हो जाएगी, आज तो सुबह ही लगी है। कल तो ऐसा था कि थोड़ी देर सुबह बारिश हो गई थी, उसके बाद धूप लग गई थी, उसी टाइम वो लोग घास लेके आ गए थे। तो आज तो सुबह ही सात बजे के रात को भी लगी रही है, और सुबह से लगी हुई है, तो अभी तक बिल्कुल आराम नहीं है। और ये हमारे प्लांट वगैरह हैं जो मैंने मम्मी जी और पतिदेव ने लगाए हैं, कुछ मैंने लगाए हैं, ये पतिदेव और मम्मी जी ने लगाया हुआ है, और ये मनी प्लांट लगाया हमारा, ये मम्मी जी ने लीची का पौधा यहाँ पे बीज बोया हुआ था, तो 5-6 बीज बोए थे, पर यही एक है जो उग गया है और बाकी नहीं लगे। मम्मी ने ऐसे ही उसका बीज, लीची का बीज बो दिया था इधर ताकि वो लग जाए, पर 5-6 बोए थे लेकिन यही एक बीज उगा है। और ये वो बीज हैं जो पतिदेव और मम्मी जी जब मरंडा गए थे वहाँ से लेके आए थे। तो ऐसा है मौसम का मिजाज। तो जुड़े रहे वीडियो के साथ, दिखाती हूँ आपको आगे के। तो अभी मैं खीर में ऐड कर रही हूँ बादाम और किशमिश, और ये साथ में है कोकोनट का पेस्ट जो मैंने बताया था आपको, इसको भी डाल रही हूँ इसके अंदर। देखिए सभी के लिए मैंने डाल दी है खीर, कर रहे हैं खीर एंजॉय। अभी लंच वगैरह करके फ्री हुए हैं, तो मैं एक चीज़ बताऊं, पीहू बीमार हो रखी है और पीहू को ऐसा बोले कि मेरे साथ टच नहीं होना, तो जबरदस्ती करते देखना। पीहू आप बीमार हो, मेरे साथ टच मत होना है ना, मेरे साथ टच मत होना, बिल्कुल आप बीमार हो गए हो, बिल्कुल टच मत होना, मतलब मेरे साथ हाथ मत लगाओ, हट जाओ, बीमार हो जाऊंगा मैं भी, ऐसा करती है, ऐसा कर रही है। और अभी मैं इसकी जो ABCD की ये बुक टाइप है ये कर रहा था ठीक, तो इसने गुम कर रखे हैं आधे से ज्यादा लेटर इसके। तो ये पीयू
अरे भी लग जाएगा फिर से तो ये है अभी मौसम का व्यू। अप्रोक्सीमेटली 2:30 बजे के करीब हमारे घर से लगता हुआ सामने का व्यू ऐसा लग रहा है, बादल वगैरह पहाड़ियों से लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली धुंध है जिनके बादल दिख रहे हैं, तो वो ऐसा व्यू हो रखा है घर से। तो बन रही वीडियो के साथ। आप बीमार हो व्यू, आप बीमार हो, अब नहीं हो बीमार तो खिलौने लेके सो जा, जा सो जाओ आप, हैं सो जाओ आप, बीमार हो गए प्यू, सो जाओ रेस्ट करो आप, हैं तो कल स्कूल जाओगे आप, हैं स्कूल जाएगी कल, है पक्का डन, होमवर्क वगैरह कर लिया, कर लिया है सारा, कब किया नींद में कर लिया सारा होमवर्क। ओ कितने सारे खिलौने लेके आ गई है, इनके साथ खेलेगी अब, हैं खेलोगे आप, वो आप पूरा बैग भर दिया इसने वही खिलौनों का, और ऐसा करती है खेलती रहेगी अब। और होमवर्क वगैरह पढ़ ले कुछ, पीऊ खांसी भी लगी, देख खांसी लगी पीऊ, वो यार कितने सारे खिलौने वो इसके पास, वो यार भंडार है पीऊ के पास खिलौनों का, वही कौन लेके आए इतने सारे, हाँ नब्बू दीदी लेके आए हैं सारे, नब्बू दीदी के ही है। ओ ये भी है, लो ये वाला भी है खिलौना भी, ठीक है खांसी लगी है भाई इसको, खांसी बुखार है ना पीऊ,